वजह देखिए स्वाभिमान का मामला है, टिकट कटना इशू नहीं है। लोग समझते हैं कि टिकट नहीं मिला इसलिए पार्टी बदल लिया, लेकिन मामला स्वाभिमान का था और पूरे जनता जो हमारे क्षेत्र की है वो इस पर बहुत बजित थी, बेहद नाराज़ थी कि ये कह के मेरा टिकट काटा गया है कि अरशद जमाल आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे, आबिद वहाँ चुनाव जीतनेंगे, इनको ऐसी रिपोर्ट मिली। तो अब इस रिपोर्ट के आधार पर लोगों में नाराज़गी हुई और मुझे ऑफ़र आया उधर से, तो मैंने वो दल ज्वाइन कर लिया। क्या कुछ आसार लगा था कि समाजवादी पार्टी फिर से आपकी ओर देखेगी? देखिए समाजवादी पार्टी ने तो मुझको टिकट दिया था और टिकट देकर फिर टिकट काटा, काटना था तो पहले देती मत, और अगर देना था तो किसी मजबूत आदमी को देती, जैसे तैयब पालकी हो गई और बहुत सारे लोग टिकट मांगने वाले 11-12 लोग हैं, लेकिन डमी कैंडिडेट को क्यों टिकट दिया इसी बात का जवाब हमको नहीं मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये डमी कैंडिडेट जानबूझ के दिया गया है। आज समाजवादी पार्टी को 37 साल मुझको हो गया और आज किसी कारणवश उन्होंने मुझको टिकट नहीं दिया, मैंने दल बदला, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ दिल टूट गया है, दिल लगा हुआ है अभी वहाँ। ये नहीं, बेहद दुखी हूँ मैं शाम रात के 7 बजे तक कार्यालय के बाहर बैठा रहा जब तक एक एक आदमी एक एक कर्मचारी कार्यालय बंद करके चला नहीं गया, क्योंकि ये ना कोई कहे कि आप चले गए वरना आपका टिकट तो हो गया था। अब आप भी देखे हो, आप बार बार लेते हैं डमी कैंडिडेट पर कोई मुझे बहस नहीं करनी है, जिससे लड़ाई उस पर बहस करिए ना आप। डमी है किसके, किसको जिता रहे हैं अब, किसको जिता रहे हैं, क्यों डमी दिया, यही तो अभी राज पता नहीं चल पा रहा है। यही इसी राज का तो हम तलाश कर रहे हैं। हम तमाम बड़े बड़े नेताओं से बात कर चुके हैं, आखिर क्यों मेरा टिकट काट के एक कमज़ोर आदमी को दिया गया, तो इसका तो कोई जवाब ही नहीं। मुझसे कहा गया कि 24,000 वोट से आप हारे थे तो वो कैसे कवर होगा। ठीक है, आपकी इस बात को मैं मानता हूँ, लेकिन जिस आदमी से मैं 24,000 वोटों से हारा था यानी तैयब पालकी से, वो भी तो समाजवादी पार्टी में है, तो जो आदमी 24,000 वोट से जीता था आपने उसको क्यों टिकट दे दिया? कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है और कहीं ना कहीं तो कोई मामला है। अब इस मामले को बहुत सारी बातें कही नहीं जाती, समझी जाती हैं, तो आपसे भी अनुरोध है कि आप भी उसको समझिए, जनता तो समझ रही है।